लक्ष्मी नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। इस बात की जानकारी डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी है। उन्होंने नागपुर में कहा है कि हमने एकनाथ शिंदे के जीवन के लिए खतरे के बारे में इनपुट को गंभीरता से लिया है। कल सीएम को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। फडणवीस ने कहा है कि राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार की नजर है। मुख्यमंत्री को जान से मारने की साजिश होने की गलत जानकारी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ऐसा कहा गया है कि पूछताछ के बाद उसे छोड़ भी दिया गया है। पिपरी चिंचवड़ के नाशिक फाटा के पास रहने वाले 36 वर्षीय अविनाश अप्पा वाघमारे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। मूल रूप से मातोश्री रमाबाई अम्बेडकर नगर से साठे चौल में रहने वाले वाघमारे ने शराब के नशे में पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 100 पर फोन कर सीएम को जान से मारे जाने की साजिश होने की झूठी जानकारी दी। नागपुर में दिनों दिन और लगातार बढ़ते क्राइम के चलते अब गौ तस्करी भी बढ़ती जा रही है। नागपुर में पाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरे ट्रक को पकड़कर गौधन को मुक्त कराया। भाजपा कार्यकर्ता सचिन करारे के मुताबिक घटना कुछ इस प्रकार हुई। सचिन करारे पाड़ी से देवी का महाप्रसाद लेके घर वापस जा रहे थे। उस समय पाड़ी ब्रिज पर उन्होंने देखा कि टाटा एस गाड़ी में दो लोग गायों को ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने पाड़ी ब्रिज पर गाड़ी को रोका। गाड़ी में 16 गाय दिखाई दी। उन गायों को गाड़ी में बड़ी ही क्रूरता से भरा था। फिर उन्होंने अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया और पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस जल्द नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उन्होंने पूर्व नागपुर के विधायक श्री कृष्ण भाऊ खोपड़े को फोन किया, जिन्होंने तुरंत वरिष्ठ पुलिस से संपर्क किया। पुलिस आई, फिर सभी लोग गाड़ी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सभी गायों को गौरक्षण भेजा गया। नागपुर शहर में माता पिता द्वारा आईफोन दिलवाने में देरी से नाराज 18 वर्षीय कॉलेज के एक स्टूडेंट ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृत लड़की नागपुर जिले के हिंगना के रायसुनी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। पुलिस जानकारी के अनुसार लड़की ने शुक्रवार शाम नागपुर शहर के खरबी इलाके में अपने घर के एक कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार लड़की ने बार बार अपने माता पिता से एक आईफोन दिलवाने के लिए कहा था। उसके माता पिता ने उसे खरीद कर देने का वादा भी किया था। हालांकि आईफोन खरीदने में देरी के कारण लड़की ने मान लिया कि उसके माता पिता उसकी मांग को पूरा नहीं करना चाहते और शुक्रवार को उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने मृत लड़की के पिता का बयान दर्ज कर उस घटना के संबंध में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है। बहुचर्चित और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके प्रयासों से साकार किए गए फुटाला फाउंटेन में अब विदर्भ की कला संस्कृति दिख सके, ऐसी योजना नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में तैयार की जा रही है। इन फाउंटेन को लेकर देश विदेश में चर्चा शुरू हो गई है। फुटाला फाउंटेन को देखने के लिए लोगों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई देशी विदेशी पर्यटक भी इस फाउंटेन शो की ओर आकर्षित होते हैं। फुटाला फाउंटेन क्षेत्र को और आकर्षक बनाने के लिए वहां लगे स्टॉल नागपुर विदर्भ की कला और संस्कृति को दुनिया में प्रचारित कर रहे ऐसे लोगों को दिया जाए, ऐसी कोशिश शुरू है। उदाहरण के लिए जैसे मदर डेयरी द्वारा बनाई गई ऑरेंज बर्फी अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, साथ ही नागपुर और विदर्भ के हैंडलूम उद्योग कारागिरों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई आकर्षक वस्तुओं और दुनिया भर में अन्य कलाओं और संस्कृतियों के ज्ञान को फैलाने के लिए काम करने वाले लोगों और संगठनों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। ऐसे कलाकारों और संस्थानों के चयन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस समिति द्वारा चुने गए संगठनों और व्यक्तियों को फुटाला फाउंटेन क्षेत्र में रखा जाएगा। इस तहत के संगठन और व्यक्ति अपने उत्पादों की पूरी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय या फिर महामेट्रो के मुख्यालय में जमा कर सकती है। नागपुर नगर निगम अपने प्रदर्शन में सुधार करने में विफल रहा, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 47 शहरों यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में से नागपुर 27वें स्थान पर आ गया है। हालांकि शहर राज्य में 8वें स्थान पर है। इस साल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 7500 अंकों का था और NMC ने 4171 अंक हासिल किए। कचरा मुक्त शहर के श्रेणी में नागपुर शहर ने 1225 अंकों में से शून्य हासिल किया। इसने सेवा स्तर की प्रगति के तहत भी बहुत खराब स्कोर किया और 1826 अंक हासिल किए।
नागरिकों की आवास श्रेणी के तहत इसने 1745 अंक प्राप्त किए। पिछले 3 वर्षों से एनएमसी कचरा मुक्त शहर रैंकिंग श्रेणी में बिल्कुल 0 अंक प्राप्त कर रहा है, जिसने पूरे रैंकिंग को प्रभावित किया है। 2020 और 2021 में भी शहर ने जीएफसी श्रेणी के समान अंक हासिल किए थे। खुले में शौच मुक्त श्रेणी के तहत इसने 600 अंक प्राप्त किए। हालांकि सीवरेज के पानी के उपचार और इसके पुनः उपयोग के अपने दावे पर उसे झटका लगा। इसमें उन्होंने 300 में से 0 अंक प्राप्त किया, क्योंकि यह प्रदूषण नदी के औपचारिक पानी छोड़ रहा है। संजीवन फाउंडेशन के प्राकृतिक चिकित्सा और योग केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों को परिवार के साथ साथ समाज भी नजरअंदाज कर रहा है। सुसंस्कृत पीढ़ी को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए उनके साथ सामाजिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना आवश्यक है। एक वरिष्ठ नागरिक आपके परिवार का एक अभिन्न अंग है। समाज में वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, पर बदलती जीवन शैली के अनुसार इसकी आवश्यकता भी पैदा हो गई है। संस्कारी पीढ़ी का निर्माण करते समय ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से खुशियां लाने के लिए कार्य करना चाहिए। समाज को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का कार्य संजीवन के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे नागरिकों के जीवन में खुशहाली पैदा करने के लिए संजीवन जैसे संस्थाओं को पहल करने का आह्वान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिल्य, इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है रश्मि खेड़ीकर ने, और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानकर और अनुराग राउत। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट, न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।